सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट किसकी दे रखी है, लॉन्ग की और शॉर्ट की। कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकालना है, 8% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। और बैलेंस शीट हमारे को दे रखी है 31 मार्च 2018, तो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है हमारे को, कैपिटल अकाउंट, और ये भी कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट नहीं है। तो मतलब हमारी जो कैपिटल है वो क्या है, फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है। और हमारे को ये पूरा साल है, ठीक है, ये साल हो गया। स्टार्ट कब हुआ ये, 1 अप्रैल से, और एंड कब हुआ ये, 31 मार्च को, ठीक है। और हमारे पास कौन है, एक लॉन्ग है और एक कौन है, शॉर्ट है। अब कहते हैं जी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 1,20,000। अगर सेकंड की बात करें शॉर्ट की, तो कितनी दी हुई है, 1,40,000, ठीक है। उसके बाद कहता है जनरल रिजर्व बनाया हुआ है हमने, कितने का, 1,00,000 का, ठीक है। फिक्स एसेट दे रखी है और अदर एसेट दे रखी है, कोई लेना देना नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर, इस साल की बात करें तो लॉन्ग ने क्या की है, ड्रॉइंग की है, कितनी की है, 40,000। तो लॉन्ग ने क्या की हुई है, ड्रॉइंग की हुई है 40,000 की, ठीक है। अगर हम बात करें शॉर्ट, शॉर्ट ने भी निकाले हुए हैं कितने, 50,000। तो शॉर्ट ने कितने निकाले हुए हैं, 50,000। अगर हम बात करें प्रॉफिट इस साल जो हुआ था वो कितना हुआ था, 1,50,000, ठीक है। और उसमें से 1,00,000 क्या कर दिया था हमने, ट्रांसफर कर दिया है जनरल रिजर्व में। तो जो 1,00,000 का रिजर्व बनाया हुआ है ये इसी प्रॉफिट में से बनाया हुआ है। तो 1,50,000 में से 50,000 का तो आपने रिजर्व बना लिया, बचे कितने आपके, 50,000। ये क्या कर दिए होंगे आपने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होंगे। और ये किस रेशो में किए होंगे, क्वेश्चन के अंदर रेशो दी हुई है, नहीं है, तो 1:1 रेशो में तो कितना हो जाएगा, 25,000 और 25,000। ये आपने क्या कर रखे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। तो 1,20,000 के अंदर 25,000 क्या है, आपके प्रॉफिट का पार्ट है, 25,000 दोनों के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि आपने क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी है, कितने परसेंट से, 8% से। तो ओपनिंग कैपिटल निकालो, 1,20,000 आपकी क्लोजिंग कैपिटल है, इसमें से माइनस करो प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है, 25,000। और इसके अंदर क्या है, ड्रॉइंग जो आपने की है वो ऐड करो, कितना हो जाएगा ये, 1,35,000, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, 1,40,000 आपकी क्लोजिंग कैपिटल है, इसके अंदर क्या है, प्रॉफिट ऐड है, तो माइनस करो 25,000, प्लस कितना करो, 50,000 जो ड्रॉइंग की थी। तो मेरे पास जो आंसर आएगा, 1,65,000। अब इसके ऊपर कितना लगाना है, 8% लगाना है, ये कितना है, 1,35,000, ठीक है। और सेकंड कितना है, 1,65,000, ठीक है। और तो अब 1% निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 जीरो काट देते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 1,350 आ जाएगा, ये 1,350, 1% आ जाएगा, लेकिन कितना चाहिए हमें, 8% चाहिए, इंटू क्या कर देते हैं, 8, तो कितना आ जाएगा, 10,800। फर्स्ट का कितना आ जाएगा, 10,800। सेकंड केस की बात करें तो 2 जीरो काटे तो कितना आ गया था ये, 1,650, कितने परसेंट है ये, 1% चाहिए, कितना, 8%, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा ये, 13,200। तो ये क्या आ जाएगा आपका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब क्या करोगे आप, यहां लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसको देना है ये, लॉन्ग को और शॉर्ट को, ठीक है। लॉन्ग को कितना देना है भाई, लॉन्ग को देना है 10,800, ठीक है। और शॉर्ट को कितना देना है, 13,200, ठीक है। दोनों को आप ऐड करो, 13,200 प्लस 10,800, ठीक है। ऐड करने पे ये कितना आते हैं, 24,000। यहाँ क्या लिखो, बाय नेट प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट किया आपने, ओनली 50,000 आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। अब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया, उसके ऊपर आपने क्या दे दिया, ये आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, ठीक है ना, प्रॉफिट के ऊपर। और तो कुछ देना है किसी को, कोई सैलरी कमीशन नहीं है, तो क्या करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कौन है ये, लॉन्ग और शॉर्ट, किस रेशियो में, 1:1 में। तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 26,000, ये कितना हो जाएगा, 50,000, ये भी कितना हो जाएगा, 50,000, ये 26,000 कितना हो जाएगा, 13,000, और ये भी 13,000, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ लिखोगे लॉन्ग और यहाँ शॉर्ट, यहाँ क्या लिखोगे, लॉन्ग और यहाँ शॉर्ट, यहाँ लिखोगे बाय बैलेंस बीडी, ब्रोट डाउन कैपिटल दे रखी है उनकी, ओपनिंग कैपिटल दे रखी थी कितनी थी, 1,35,000, और सेकंड के केस में कितनी थी, 1,65,000, ठीक है। अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिला था इनको, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला था,
10,800 और सेकंड केस में कितना मिला था 13,200। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रॉफिट भी मिला था इनको बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, कितना मिला था ये 13,000 और सेकंड केस में भी 13,000। टोटल करो 1,65,000 प्लस 13,000 प्लस 13,200 प्लस करोगे 13,200 तो ये कितना आएगा 1,91,000 और ये कितना आ जाएगा 200, 1,91,200। यहाँ क्या लिखोगे टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना आ जाएगा 1,91,200। अब यहाँ कितना था 1,35,000 प्लस कितना करोगे 10,800 प्लस कितना करोगे 13,000, तो मेरे पास जो आंसर बनेगा 1,58,800, 1,58,000 और ये 800। ठीक है 1,58,000 और 800। तो आपने इस तरह से क्वेश्चन को ट्राई करना है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपडेट करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।